मारी है, बस वो देख ही नहीं जानती है। जो फोन में उसकी चीख है ना, मेरे रोंग रोंग खड़े हो गए। मेरी बेटी की चीख देख के मैंने तो इंसाफ चाहिए धीरेन्द्र को, बहुत जल्द से जल्द। की किस तरह मारी है तुमने, क्यों कर मारी? बोले हमने क्यों मारी? बोले उसने गोली खाई। मैं बोली बता, न्यू बता दे बेटा एक बार, गोली तो लुगाई ने किस तरह मिलेगी? जी मारी लड़की की इतनी बुरी हालत, पीट कने मतलब लात बांध कर पिटाई करके मारी गई है। जो आड़े सिर में भी पीछे भी आड़े भी चोट थी, आड़े भी निशान थे, ये हाथ बांध रखे थे, ये भी फोड़ रखे थे। स्पेशल हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सतीश धनोदा की राम राम। फिलहाल भाई जो नरवाना पास में द्रोदी गांव है वहां पर पहुंच रहे हैं। आज से भाई 4-5 दिन पहला द्रोदी गांव की एक बेटी भाई जो दिल्ली रहा करती, यानी दिल्ली का आसपास कोई गाँव वहाँ शादी हो रही थी, लेकिन वो दिल्ली रहा करते और भाई क्योंकि नौकरी पैसा वाले थे भाई, दहेज बताओ भाई, दहेज का लालच में उस बेटी की उनकी जान ले ली। लेकिन आखिर पूरा मामला के है ये देख सको भाई, पूरा जो परिवार है भाई पास में बैठा है उसकी माँ का भाई जो रो रो के भाई बुरा हाल है, या आप देख सको पूरा परिवार है भाई सदमे में, क्योंकि इकलौती बेटी थी लेकिन कुछ दहेज के लोभियान है भाई वहाँ दिल्ली बताओ भाई जो उसकी हत्या की है। जो फोटो देखे गए थे भाई मारपीट के बहुत निशान थे, पूरा पूरा जो चेहरा पर निशान थे, आपने वो फोटो भी दिखावांगे, लेकिन पूरी की पूरी बात भाई हमारी परिवार तक करा। आखिर ऐसा क्यों होया, क्यों भाई वह जो मौत का घाट उठा कर आखिर ऐसे दहेज के लोभियों के साथ क्यों होना चाहिए, वो राय भाई आप कॉमेंट में बताइए। लास्ट बार कब फोन आया था जी आपके पास? ये शुक्रवार ना आया था फोन। क्या कह रही थी आपकी बेटी? जी उसने अपने फ़ोन पर तो नहीं करा, उसकी सास ने वीडियो कॉल करके ही बात कराई थी। वो उसकी सास के सामने क्या बोल सकती थी, हम तो कुछ नहीं बोला उसने। बस उसमें कोई लड़ाई झगड़ा जैसे? उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, उसमें तो बस ये राजी खुशी की बात थी। लड़की का चेहरा उदास जरूर था उस दिन भी। मैंने पूछा बेटा तू उदास क्यों हो रही है? अपना कुछ नहीं मम्मी, मेरे पेट में दिक्कत है। उसकी सास बैठी थी, वो कैसे कहती उसके दौरे कुछ नहीं कैसे कहती। लेकिन शनिवार ने शाम ने 8:30 या 9 के बीच में फोन आया उसकी सास का, आके वो बोली संतोष ने गोली खा ली, तुम जल्दी गाड़ी उठा कर जल्दी दिल्ली भाजो। फिर मैं गोली किस तरह खा ली, नहीं गोली के ऊपर खा लेगी? मगर संतोष काम नहीं बेरा, जल्दी भाजो गाड़ी लेकर। फिर मैंने फ़ोन काटा भी नहीं था, इसका पापा ही थी बताई मनु कहने बन गई मकान, अपनी छोरी गोली कितने ले आवेगी मकान। फिर मैंने दोबारा फोन में ले आया, गाल भी दे मैंने उसकी सासू की, भाई कमलनी तो मेरी बेटी ने खा तो गई, कम से कम न्यू तो बता दे मेरी बेटी के लिए, एक बार बात तो करा दे, एक बार न्यू तो बात करा दे भाई, एक बार न्यू तो दिखा दे भाई, मैं न्यू तो पूछ लूँगी ये भी मेरी बेटी ने गोली खाई है, वो मैंने बताया तो देगी, एकदम तो नहीं मरती वाह, एकदम तो नहीं होती। वो न्यू बोली एक वो तो अस्पताल में ले गए, वो तो बेहोश है। फिर मैंने इतनी कह कर फिर मैं इतनी कहने लगी मैं चालू बस छाड़ दे ही ये गाड़ी करके ना अपना हम चले गए दिल्ली चले गए। तो हमने तो उन्हें कुछ नहीं मिला भाई, बोले कि वो कर दिया हुआ तो मैसेज आया होगा 12 बजे का बजे मैसेज आया है भाई संतोष इस दुनिया में नहीं रही, बोले इस दुनिया में नहीं रही संतोष। फिर उड़े जाकर ना मैंने उस बटे तो बात करी अगले दिन तुम्हारे ने, मैं कहा एक बात बता दे, मैंने हाथ जोड़ कर कही मैंने माँ बेटा एक बात बता दे तू तलाक तलाक कही जा रहा भी, तलाक तो नहीं मारा लक्का दे दिया भी, मेरी बेटी किस तरह मारी है तुमने, क्यों कर मारी? बोले हमने क्यों मारी? बोले उसने गोली खाई। मैं बोली बता न्यू बता दे बेटा एक बार, गोली तो लुगाई ने किस तरह मिलेगी? जब गोली तो माँ मानस से गोली ले आऊगा नहीं, वो भी 2-3 और गवाह मांगे उसके गले जब गोली मिलेगी। मैं कहा गोली बोले मारा तो ड्राम में धरी थी, मैं ड्राम में तो तुम ड्राम रख दे नहीं, मैं क्यों रख दे तुम उसा ले आओ भी मोल का आटा तो गोली कड़े ताएगी, यही बात हुई है। हमने तो सोमवार ने डेड बॉडी देखी है ना, जब मारी लड़की की इतनी बुरी हालत, पीट कने मतलब लात बांध कर पिटाई करके मारी गई है। जो आड़े सिर में भी पीछे भी आड़े भी चोट थी, आड़े भी निशान थे, ये हाथ बांध रखे थे, ये भी फोड़ रखे थे, मतलब इतनी बुरी तरह मारी है, बस वो देख ही नहीं जानती है। जो फोन में उसकी चीख है ना, मेरे रोंग रोंग खड़े हो गए। मेरी बेटी की चीख देख के मैंने तो इंसाफ चाहिए धीरेन्द्र को, बहुत जल्द से जल्द गिरफ्तार कर ले और उनको फांसी की सजा मिले। जब मेरे शांति पड़ा, मेरी एक बेटी, मेरी बेटी को इतनी डराते थे, वो कभी आने का नाम नहीं लेती थी, कभी एक आधी बार मौका लगता था बता देती एक आधी बात, मैं कहती बेटा तो इतनी परेशान क्यों रही, हम ले जावांगे 2-4 आदमी इकट्ठे करके ले आओ ले जाओगे। मैंने बोली ना माँ ये तो धमकी देवा मैंने, अके जे जाओगी ये तो उन्हें तलाक दे देंगे, अरे
अपने ये लेकर आना, नहीं लेकर आओगी तो तलाक दे देंगे हमें। इन्हें बोली ना मैं मत आड़े बसूंगी, ना मैं कितने जानती राड़े रहूंगी। बहुत दबाव डाल रखा था मेरी बेटी पर, बहुत जल्लाद लुगाई है वो, इसकी सास ससुर जो, इसका पति हो, इसकी ननद, सारे के सारे इतने जल्लाद। उन्हें इतना रहम नहीं आया अकबी, एक ये दूध पीता बच्चा है ना 1.5 साल का, कम से कम इसके लिए तो तुम रहम कर लो भाई। ये इतनी गऊवर की लड़की है भाई, इसके लिए न्यू तो देख लो भाई, ये सारे काम करने लग रही है। और कदे पलट कर मेरी बेटी ने जवाब नहीं दिया, अगर उसकी सासू ने थप्पड़ मार दिया या धक्का मार दिया, कदे उसने न्यू नहीं कहा, कदे स्यामी होकर लड़ी नहीं हुआ, मैं ही पीगी मारती भी। उसने बहुत कम बताई ये बातें, मेरे मम्मी पापा बहुत वो करेंगे और फिर मना ले जाएंगे, और फिर ये तलाक भी दे देंगे ना, मेरा बेटा देवेंगे। ये बात जी देखो रिकॉर्डिंग थी जो बात हुई थी, हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए बोलिए, हेलो हेलो, अरे बोलिए, हेलो, अरे बोलिए, आगे भी बोलिए कुछ। मैं संतोष का चाचा बोल रहा हूँ, बताओ कहीं जाना संतोष का। अरे अभी हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो एम्बुलेंस में पहुँचने वाले हैं, हालत खराब है। हालत खराब है? हाँ हालत तो तमने खराब कर खींच की। अच्छा हाँ, हालत खराब जो बन सकता है कर लो, जो बन सकता है कर लो, और पूरा दिमाग लगा लो। ठीक है, यहाँ कहा नहीं तो बात है, जो बनता है कर लियो, जो बनता है जो करना है कर लो। सीधी चेतावनी मतलब दे जा रही है, मतलब जो करना कर लो, मतलब कोई डर नाम की अगर कोई घटना भी हो जाए कोई बात नहीं जी, आ जाओ देखो कोई ऐसी बात नहीं, कुछ तो ऐसी बात हो अगर मैं अगर कोई इनको कोई डर नाम की चीज नहीं है। देख लो जी लड़की को ये मार रहे हैं, गला दबा रहे हैं, मार रहे हैं, चीखा रही है जी, चीखा रही है वो, ओ करी ना, ये नुगा नाम ले जा रहे हैं, तो गाड़िया के हॉर्न की आवाज तो आनी चाहिए ना, इसमें तो कुछ नहीं, इनकी आवाज सुन रही है मेरी लड़की की। चलो सारी बातें भी चलो वो भी हो जाए, लेकिन सबसे बड़ी बात वो है, ये कह रहे हैं भाई आप पे जो मरना है वो कर लो, मतलब ये तो वही सीधी चेतावनी वाली बात है, सीधी चेतावनी दे रहे हैं जी। कटियां जी भाई आवा है वो कौन है तेरा भाई, तो चल पड़े गाड़ी लेकर उसे फिर उनकी मारन मारने की कोशिश करी, फिर मारी है चेहरा पर, कोई उदासी कोई मायूसी नहीं, बिल्कुल 10-15 दम में मारे दौरे थे जो कोई लाल नहीं पानी नहीं बदनो ता हाथ को दो से गुनी रहा, मतलब ले वो तो मैंने पत्थर ही आदमी दे आगे बिल्कुल 10-15 पर मैंने फोन मिला है जी। अच्छा जी, मैं संतोष का चाचा बोलूँ। अच्छा आपने ये आपकी रिकॉर्डिंग है? मेरी रिकॉर्डिंग है। अच्छा जी, मैं संतोष का चाचा बोलूँ, माँ हालत कैसी है उसकी, हालत तो बहुत खराब है, माँ हालत तो आपने खराब बना रखी है बिल्कुल, तो एक पक्ष से क्यों सुनो आप, अगर उसको वहाँ कोई आपका आदमी है आपको एड्रेस दे देंगे, खर्चा दे देंगे, बड़ा किराया, ऐसी बात नहीं है, उनके भी वीडियो बना के लिया जहाँ केक वहाँ में उसका झूठ बोलते हो, उनके भी लाओ बनाए कहना है तो आवे कौन, क्योंकि वो तो साफ मिल जाओ आप उनके कुछ तो कहेंगे, ऐसी बात नहीं है भी बिल्कुल, मतलब जो दोषी है वो बहुत कम कैमरा पाक रहे, वो कभी नहीं कैमरा पाक, नहीं कुछ तो बताऊंगा ऐसी बात नहीं, फिर भी कड़ा बात जाएंगे मैं, उनका तो प्री प्लान काम था। ये एक बात और है, आप वीडियो ध्यान से सुना नहीं, पीछे था बना कुछ खड़कने की आवाज आवे, जैसे आप खाट सरकावा फर्श बोल रहा है, पहला उनका फोन आया था 8:30 बजे ही, भाई छोरी गड़बड़ होगी, को दवाई पी ली या गोली खा ली, उसके बाद 10-15 फोन करे आपने, 10-15 लग के उनकी गाड़ी या एम्बुलेंस कुछ भी नहीं मिला, हॉस्पिटल में ले जाने खातर एक साजिश का तहत मारी गई है, मतलब पूरी प्री प्लान था उनका पूरा, हॉस्पिटल में जद लेके गए हैं भैया मर जाएगी, और फिर यह बड़ा बयान नहीं देश का, उस शाह अस्पताल में भी जब ले गए हैं, पहले उनकी कोई कोशिश नहीं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, मतलब आपकी तरफ से बताया जा रहा है। एक बताओ जी रेस्ट का बताओ भी, एक रेस्ट पक्का कन्फर्म नहीं है ना, ना कन्फर्म नहीं है, वैसे मैसेज है एक का, मतलब आप क्या मांग आपकी, मतलब अब आपकी बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए क्या मांग आपकी? मारी तो ये मांग है जी, उनने जिसने मारी ना जल्द से जल्द पकड़े जाए और उनकी खूब कड़ी सजा होए, मैं तो उनकी 5 साल की सजा होनी चाहिए, इतनी गऊ वर्गी चोरी मारी है ना भाई, उन्हें 100 गऊआ जितना पाप लगेगा, या इतनी गरीब बेटी थी हमारी, साबित गांव ने पूछ लो गुआंड ने जड़े पड़ी है, सभी ये बात कहेंगे भाई वो लड़की तो बहुत ही गऊ थी, और हमारी तो एक बेटी थी, लड्डो कोडो नहीं सा काम कर दिया हमारी गेल, हमने तो ये समझ के रिश्ता कराया था, चल बाबू बेटा नौकरी पे है और चल बच्चे का एक बार सही रिश्ता करा, फिर लेकिन वो तो इतने लालची लिगड़े, हमने इतना दहेज में दे दिया और फिर भी टॉर्चर करे थे लड़की ने। एक बात मेरे सामने जो आपने बोली है जी, ये पहले भी आती थी कि अपनी लड़की को दे तो देते हम जी नौकरी और ये अमीर आदमी के,
और वहाँ पर भी इस प्रकार की समस्याएं आती आती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अपनी बेटी को अपने सुखी देखना है, ना कि उसको बड़ी नौकरी वाले के पास, क्योंकि अगर नौकरी वाले के पास जाएंगे तो इस प्रकार की समस्या आती है, तो क्या कहना चाहोगे? और भी बेटियां होगी आप जैसी? हम तो ये कहा भाई, अपनी बेटियां ने ब्याह दो, गरीब का ब्याह दो, चाहे नौकरी वाला ना देखो, लालची आदमी ना देखो, भी अपनी बेटी सुखी रहे, कम खा ले। मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये नौकरी वाले यार इतने साहूकार है, देखो ना ये हमारे साथ होया ना, या किसी के साथ नहीं होना चाहिए। अपनी बेटी ने देख कर दाम छानबीन करके जमाचे गरीब का ब्याह दे, रोटी रोटी खा ले अपने, भई ये नहीं होना चाहिए।